सड़कें विकास को रफ्तार देने का सबसे बड़ा माध्यम है। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए साहिबाबाद में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और योगी सरकार के मात्र 18 महीने के अल्पकाल में ही साहिबाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 200 करोड़ की लागत से 600 से अधिक छोटी बड़ी सड़कों का निर्माण एवं पुनर्निर्माण किया गया है। की खोड़ा की गलियों की लंबाई 183 किलोमीटर है। अगर हम यहाँ से हरिद्वार जाते हैं तो 180 किलोमीटर बैठता है। खोड़ा की आंतरिक गलियों की लंबाई 183 किलोमीटर है। उनको पक्का करने का काम चल रहा है। पानी के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम शासन को भिजवा चुके हैं। जल्दी वो रिपोर्ट स्वीकृत होकर के आएगी तो वहाँ वाटर सप्लाई हम सरफेस वाटर से देंगे। साहिबाबाद को जाम मुक्त बनाने के लिए 4 नए अंडरपास और एलिवेटेड रोड एक मील का पत्थर साबित हुए हैं। इसके अलावा राजनगर एक्सटेंशन चौराहे और वसुंधरा चौराहे पर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य भी जोरों पर है। सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है और अवैध कटों को बंद किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 को एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण में एक लंबी छलांग गाजियाबाद महानगर ने लगाई है, जिसका 7% हिस्सा अकेला साहिबाबाद ही है। युद्ध स्तर पर निजी एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कार्य किया गया, जो साहिबाबाद को खुले में शौच मुक्त कराने का एक जरिया बने। महिलाओं के लिए अपने आप में एक अत्याधुनिक पिंक टॉयलेट का निर्माण कार्य कौशाम्बी मेट्रो बस स्टेशन पर किया गया। सवेरा हो गया है, चिड़ियां घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम। चले हम।